मेला पर कितना भीड़ है अभी इधर देखिए, मतलब पूरा भीड़ हो गया अभी टाइम लगभग। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, मैं दीपक, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि हमारे घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक मेला लगा हुआ है चड़कापहाड़ी मंदिर पर। तो अभी मतलब शाम का टाइम हो गया, शाम का लगभग 6 बज गया है। तो अभी हम लोग जाएंगे मेला, वहाँ पर घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, और मेरे साथ जाएगा धनंजय। हे फ्रेंड्स, हम लोग जाएंगे मेला, बहुत एंजॉय करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे। तो अभी हम धनंजय के छत पर हैं, अभी निकलेंगे। धनंजय, तुम्हारा बाइक लेंगे? हाँ, एकदम। तो धनंजय के बाइक से हम जाएंगे मेला, वहाँ पर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहे, कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, फाइनली रेडी हो गए मेला जाने के लिए। अभी देख सकते हैं कौन कौन जा रहा है, इधर मेरी भाभी और इधर धनंजय, इधर मेरा दादी। मेला जा रहे हैं, पूरा फुल रेडी हो गए। इधर भाभी हाई कर दी है। तो चलिए मिलते हैं मेला पर। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेला पहुंच गए हैं। अभी देख सकते हैं कितना भीड़ है मेला में, अभी बहुत भीड़ है। और अभी हम लोग यही शुरू किए हैं घूमना, अभी मेला पहुंच गए हैं। चलिए ब्लॉग पर बने। मेला पर कितना भीड़ है अभी इधर देखिए, मतलब पूरा भीड़ हो गया अभी टाइम लगभग। कितना बज रहा है? 9 बज रहा है, 9 के मतलब बजने के टाइम में कितना भीड़ है। और इधर है मिठाई का दुकान। और इधर चश्मा और खिलौना का दुकान लगाया गया। और इस साइड में है नाव वाला झूला, देखिए नाव वाला झूला का मजा ले रहा है।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है दूसरा दिन और कल रात में लेट हो गया था, लगभग 12 बज गया था, इसलिए ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाए। और आज अभी मैं हूँ घर के बाहर, इधर देख सकते हैं धनंजय सब है। और आज हमारे गांव में कीर्तन का लास्ट दिन है, मतलब बैसाख में होता है कुली कीर्तन। तो आज हम लोग के गाँव में धुलाट है कीर्तन का, तो ही अभी धुलाट चल रहा है, आप लोग को देखने को मिलेगा। ब्लॉग पर बने रहें। Come on, come on, come on.